लोनी में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोनी उप जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा और नायब तहसीलदार के निर्देश पर 16 अवैध प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया गया, जिसके चलते अवैध फैक्ट्री मालिकों में दहशत का माहौल बन गया। उप जिला अधिकारी को लगातार क्षेत्रीय जनता से शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं और क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते उप जिला अधिकारी ने निरीक्षण कर 16 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। लोनी क्षेत्र में जो भी अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, चाहे वो तार जलाने वाली हो, चाहे वो मेटल गलाने वाली फैक्ट्री हो जिससे पोल्यूशन होता है, और जो रेजिडेंशियल एरिया में चल रही हैं जिसकी बार बार कंप्लेंट आ रही थी पब्लिक की तरफ से, उन पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए पोल्यूशन विभाग की टीम, नगर पालिका की टीम, विद्युत विभाग की टीम और GDA की टीम, ये तहसील के सुपरविजन में पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर ये मौके पे जाकर निरीक्षण कर उन फैक्ट्रियों की सीलिंग कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी फैक्ट्री सील कर रहे हैं और आगे भी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर लगाम लगाई जाएगी। सिटी न्यूज दिल्ली ब्यूरो रिपोर्ट।